मेरे को अभी कुछ देखने को मिला, बहुत प्यारा चीज देखने को मिला यार, और बसाए भी ये गार्ड भाई की है। बाइक आपकी है? ओ बहुत मस्त मॉडिफाई की है आप तो, देख सकते हैं। अपने बाइक का याद आ गया भाई। ओ भाई साहब क्या कलर दिख रहा है यार। ओ हो मस्त ना। कैप्टन ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और ये रही मेरी 360 और ये रही मेरे बेका। और एक सप्ताह बाद मैं अपनी बाइक को निकाल रहा हूँ। एक्चुअली जॉब में इतना बिजी हो गया था कि मत पूछो, तो बट आज मौका मिला तो भाई आज क्यों ना एंजॉय किया जाए राइड को। तो मैं राइड को तो एंजॉय हमेशा करता हूँ यार। तो जल्दी से 360 ऑन कर लेते हैं एक अच्छी क्लिप आने के लिए, और फिर स्टार्ट करते हैं इस राइड को। और पता नहीं क्यों मैं धोया हूँ जब से बाइक को, मेरे बाइक पे फिर से वही पुरानी वाली प्रॉब्लम दिख रही थी, ABS फेलियर वाली। होप सो ये हट जाए यार, शायद ये हटी नहीं है अभी तक, बड़ा दिक्कत है यार। कोई नहीं, ऐसे ही चलेंगे विदाउट स्पीड के। विदाउट स्पीड के चलेंगे भाई, स्पीडोमीटर काम नहीं कर रही है। ये पहले होता था बारिश के समय में, बट अभी हो गया, अब क्या ही बोले, अब हो गया तो हो गया। बस इसका ABS काम नहीं कर रहा है यार, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लो फाड़ते हुए निकलना है भाई, पूरे सप्ताह का जो स्ट्रेस रहता है कूलना का, मतलब जितने भी रहते हैं ना, सब आज निकल जाएगा। क्या सही लग रहा है यार मौसम। मेरे 360 चल रही है ना, मेरे को एक बार के लिए लगता है ना कि 360 अपना फेंका ना जाए यार, डर इसी बात का रहता है। ओहो क्या बात है यार। तो बहुत दिनों बाद सोलो राइड पे निकल चला हूँ मैं, और सोलो राइड मतलब क्या यार, अपना स्ट्रेस खत्म करने का टाइम रहता है और क्या। और दो दिन बाद, तीन दिन बाद अपनी होली है, तो विश यू हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एडवांस में सभी को, और बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से इस होली में आपके लिए। रंग इतने आए कि मत पूछो आप। तो यार होली में एकदम प्यार बांटो यार, सभी से मिलजुल के रहो और क्या। बस 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 हट जा रहे सर, पुलिस वाले लोग भी आजकल चुनाव के कारण जो है आचार संहिता पूरा लगे हुए, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है अभी। अरे भाई साहब वो देख रहे हो क्या सही लग रहा है लोकेशन, कॉलेज है, मंदिर है। ओ भाई साहब ब्यूटीफुल, देख रहे हो भाई लोग अपन के मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। देख रहे हो रिंग रोड से जब भी आप सूरज को देखोगे ना, एक अलग फील आती है आप लोगों को। चलो वो फील मैं आपको दिला देता हूँ। चलो भाई यार, इधर का रोड बन गया यार, सबसे अच्छी बात ये है। इधर का रोड नहीं बना हुआ था ना, बहुत तकलीफ था इधर। अब पता नहीं कितने दूर तक बना हुआ, क्योंकि इधर वो भी बन रही है, इसकी वजह से भी रोड बनना स्टार्ट हो गया। साउंड चलो अब आगे चलते हैं। तो वो देखो जिस चीज की आप तलाश कर रहे थे वहां है वो सनसेट, और वो भी ब्यूटीफुल सा। जिसको सनसेट से प्यार है वो तो आएगा ही इधर। अपन को क्या है यार, कितना बड़ा वो बन रहा है, वेयर हाउस बन रहा है शायद ये किसी चीज का रखने वाला, और कितना बड़ा है वो देख लो आप। और वो देखो क्या सही लग रहा है यार सीन, मेरे को तो पर्सनली बहुत सुंदर लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इधर ही गाड़ी खड़ा कर लूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ पहले तो। ओहो बहुत सही लग रहा है, बॉस बहुत सही लग रहा है, यहाँ से व्यू बहुत सही लग रहा है।
कैमरा रोल, कैमरा एक्शन, ये देखो क्या सही लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा। तो पहले तो यहाँ कैमरा निकालते हैं भाई अपन के। आहा, ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस का अच्छा सा एक सिनेमैटिक वीडियो नहीं लिए तो फिर क्या ही लिए। सूरज तो ढल चुका, अब बस यहाँ से निकलते हैं। अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब जो देखना था देख लिए। बट ये देखो क्रशर मशीन है, अब निकलते हैं आगे। बाप रे बाप, अपनी बेका तो बहुत ज़्यादा भारी बन जाती है यार जब भारी बनती है तो। ये बहुत जल्दी आए भाई तुम, गुड इवनिंग। तो टोपो यहाँ बस आ गया है भाई, तो अब हम लोग आगे चलते, थोड़ा सिनेमैटिक शूट करेंगे, थोड़ा देरी बैठेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा जल्दी आया होता तो यार मजा आ जाता और, बट कोई नहीं यार। यहाँ से जो व्यू आ रही है भाई वो देख लो आप, मतलब अगर ITBP आप नहीं आते हो तो आना शुरू कर दो भाई, अब तो आना शुरू कर दो। अभी सूरज ढल गई, बट ये सूरज ढलने के बाद भी बहुत खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पास तो अब यूनिवर्सिटी वगैरह भी बन गई है, तो यार जो लालिमा छायती है ना सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलते टाइम, वो इपिक है, बहुत प्यारी है। बहुत सही जगह है भाई, बहुत सही जगह है। हमने सोचा था यार कि एक मीटअप रखा जाएगा एक बड़ा सा, सारे बाइकर्स होली खेलेंगे साथ में, बट देखो यार मेरे अकेले के सोचने से नहीं होता भाई, सबकी सहमति होनी चाहिए, सबका सोच मिलना चाहिए, जो हो नहीं पाता जनरली मिल नहीं पाता, इसी वजह से। अदरवाइज बहुत मजा आता जब सारे बाइकर्स एकदम साइलेंसर पे एकदम डाल करके जब धुआं उड़ाते ना भाई, तो वो फील ही अलग था। तो चलो अब कोई नहीं, अब जो नहीं हो सकता उसे कहा नहीं जा सकता, बट हैप्पी होली। मैं फिर से एक बार सभी को आप लोग को बोलूँगा, विश यू हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और इन्जॉय करो इस दिन को आप। हाय हाय हाय, चलो इधर ही रुकते हैं, एक दो टा क्लिप इधर शूट करते हैं, फिर उधर ये वाला रास्ते पे घुसेंगे। भाई मेरे को अभी कुछ देखने को मिला, बहुत प्यारा चीज देखने को मिला यार, और शायद ये गार्ड भाई की है। बाइक आपकी है? ओ बहुत मस्त मॉडिफाई की है आप, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई। हो, अपने बाइक का याद आ गया भाई। ओ भाई साहब क्या कलर दिख रहा है यार। ओ हो, मस्त ना, बहुत हार्ड, अच्छा मॉडिफाई किए हैं भैया, नाइस। चलिए मिल गया, अच्छा लगा। तो आप भी बाइक वाइक चलाते हैं क्या? कि भाई लोग मॉडिफाई कर दिया है? ओह नाइस। अच्छा लगा भाई, हमको ना उधर से आ रहे थे ना, गेट खुला हुआ था ना, हल्का सा खिड़की से दिखा, हम भी यही कलर करवाए थे जब मेरे पास बाइक था ना, बहुत प्यारा कलर है। अभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से ये लोग कर नहीं पाते यार। ऐसे भाई कितने होंगे, कितने झारखंड में होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बाइक का शौक भी है। तो सल्यूट है ऐसे भाइयों को यार, दिल से सल्यूट है। रेंज ले लिया यार, तू मेरे दिन में रात में। तो भाई ये बिजली तो पड़ी नहीं थी यार, मैं सोच रहा था। अब मेरे को दिख गई है टनल, भाई टनल में आग नहीं लगाया तो फिर क्या ही किया। भाई टनल दिखे यार, खोद दो भाई। क्या बात है। तो भाई ये ब्लॉग कैसे लगे जरूर बताना यार, छोटी सी राइड थी अपनी, और थैंक यू सभी को, और विश यू हैप्पी होली सभी को। आप लोग होली एंजॉय करो, और क्या, इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ आपको।